40 दिन में 7 लोगों ने तोड़ा दम, किसी की डांस करते हुए गई जान तो किसी की मंच पर एक्टिंग करते हुए। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट बन रही है इसकी वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे और मैं हूं आपके साथ मुस्कान पांडे। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। यूपी में पिछले एक महीने से चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। यहाँ 40 दिनों में 7 लोगों की मौत हो गई है, किसी की डांस करते हुए जान चली गई तो किसी की मंच पर एक्टिंग करते हुए। अधिकतर मामले में वजह इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, हालांकि इसमें से कुछ लोग कोविड पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। ताज़ा मामला जौनपुर जिले के रामलीला में भगवान शिव का अभिनय कर रहे कलाकार का मंचन करते समय निधन हो गया। मौत का लाइव वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि एक युवक आरती कर रहा है, उसी समय शिव बना कलाकार अचानक नीचे गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ऐसा ही मामला बरेली से भी सामने आया है। यहाँ 45 साल का प्रभात कुमार दोस्त की बर्थडे पार्टी में डांस करते करते अचानक से गिर गया और उसकी मौत हो गई। अयोध्या में डांडिया खेलते खेलते युवक की जान चली जाना, जिन्हें देखकर लोगों का एक ही सवाल उठना, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? डांस करते करते अच्छा खासा आदमी कैसे मर सकता है? चलिए बताते हैं आपको। 11 अक्टूबर को जौनपुर जिले में रामलीला में भगवान शिव का अभिनय कर रहे कलाकार का मंचन करते समय निधन हो गया। मामला मछली शहर तहसील क्षेत्र के बेलसिन गांव का है। गांव में रहने वाले 45 साल के राम प्रसाद उर्फ छब्बन पांडे आदर्श रामलीला समिति के सदस्य भी थे। वे भगवान शिव का अभिनय करते थे। सोमवार की रात भी वे गाँव की रामलीला में भगवान शिव का रूप धारण कर अभिनय कर रहे थे। राम प्रसाद पांडे के भतीजे संजय पांडे ने बताया कि आरती के समय महज 35 सेकंड के बाद अचानक उनके चाचा की मौत हो गई। हम लोग दौड़े और तुरंत मछलीपुर शहर के डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। क्या है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का मामला, अभी कुछ भी सामने नहीं आया है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है शिव का रोल प्ले कर रहे कलाकार की अचानक मौत हो जाना कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ज्यादा एक्साइटमेंट के कारण धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक पड़ जाता है। चलिए बताते हैं यूपी का एक ऐसा ही किस्सा जिसमें हाल ही में ही एक मौत सामने आई है। अयोध्या में चेंजिंग रूम में जा रहे कलाकार की अचानक से मौत हो गई। अक्टूबर को अयोध्या के रुदौली में रावण का अभिनय कर रहे प्रतिराम नाम के शख्स की मौत हो चुकी है। वह रामलीला का मंचन कर चेंजिंग रूम में जा रहे थे, तभी अचानक गिर गए। लोगों को लगा कि रस्सी फंसने से गिर गए हैं। लोगों ने उठाया तो व्यक्ति बेहोश थे। इसके बाद उन्हें कूलर के सामने लिटाया गया, फिर लोग उन्हें एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रतिराम की उम्र 58 साल की थी। इसके बाद रामलीला का मंचन 1-2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। डॉक्टरों ने वजह बताई है हार्ट अटैक होना। डॉक्टरों का कहना है कि कार्डिक अरेस्ट किसी नॉर्मल इंसान को हो सकता है। कई बार ज्यादा एक्साइटमेंट होने के कारण एड एनर्जी ड्राइव बढ़ जाती है, जिससे हार्ट कोलैप्स कहा जाता है। बरेली में बर्थडे पार्टी में डांस कर रहे युवक की मौत। 2 सितंबर को बरेली में 45 साल के प्रभात कुमार दोस्त के बर्थडे पार्टी में डांस कर रहे थे, अचानक वो बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों को कुछ देर तक लगा कि युवक एक्टिंग कर रहा है, मगर जब थोड़ी देर बाद वह नहीं उठा तो लोग पास गए और पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। प्रभात की मौत की वजह भी हार्ट कोरिडिक्स अटैक बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक प्रभात की मौत हार्ट अटैक से हुई है। डॉक्टरों ने बताया इसके पीछे बड़ा कारण, पहले से ही हार्ट की किसी समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। 3 अगस्त की रात आगरा के पिनाहट कस्बा में देवी पंडाल में माता के भजनों पर झूम रहे व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। नाचते नाचते वे जमीन पे गिर गए। लोगों ने समझा कि वे डांस करते करते माता के मत्थे टेक रहा है, मगर कुछ देर बाद जब वो नहीं उठा, लोगों ने उसे उठाया, अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चलिए बताते हैं हार्ट अटैक में क्यों होता है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। हार्ट में कंडक्शन सिस्टम होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करता है। इसकी वजह से हार्ट में सिकुड़न होती है और नॉर्मल सिविक्स में हार्ट बीट
कहते हैं। नॉर्मल हृदय गति 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, मगर जब ये रेट 200 से 250 या 300 बीट प्रति मिनट हो जाती है तो इसे हार्ट इन्फेक्टिव तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाता। ब्रेन में स्पाइन ना पहुंचने के कारण लोगों की मौत हो जाती है। अब देखना ये होगा कि यूपी में जो ये मौत का सिलसिला 45 और 40 दिनों से लगातार चलता जा रहा है, ये कब थमता है? ये हार्ट अटैक की वजह कब रुकती है? नौजवानों की मौत का कारण क्यों बन रही हार्ट अटैक? इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।